सी जो है व्यक्ति उसके ऊपर तरीके से बहुत अभद्र व्यवहार उसका किया गया, उसके साथ बदतमीजी की गई, उसको जो आरोपी है उसके एनएसए लगा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। आज प्रधान मुख्यमंत्री ने अपने घर बुलाया उस शख्स को, उसके चरण धोए, माफी मांगी है। कैसे देखते हैं सर? ये प्रश्न मानसिकता का है, सोच का है, विचारधारा का है। ये वो विचारधारा है जिसने कभी भी भारतीय संविधान को स्वीकारा नहीं। ये वो विचारधारा है जिसने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण, उनको विशेष दर्जा, उनको भूमि आवंटन और जो विशेष सुविधाएं दी गई हैं उसके खिलाफ हमेशा से उनके मन में एक भावना रही है, एक नफरत की भावना उनके मन में रही है। वही प्रदर्शित इस घटना से हुई है। इसके पीछे और भी कारण है। ये व्यक्ति जिसने ये ऐसा कृत्य किया, ये और माननीय विधायक जी के पुत्र और एक और व्यक्ति जो कि ग्राम पंचायत के सरपंच है, तीनों मिलकर जो सोन नदी की घड़ियाल सेंचुरी है वहां से ये अवैध रेत खनन कर रहे थे। आज भी यदि उस व्यक्ति के घर के सामने आप देखिए तो दसों जो बड़े ट्रक होते हैं वो खड़े हुए हैं। इस व्यक्ति ने शिकायत की थी पहले, इनके साथ ये उनके सेवा में था, उसके साथ मारपीट की गई और मारपीट करने के बाद ये उन्होंने कृत्य किया। तो इसके पीछे ये भी है कि इतनी अवैधानिक तरीके से रेत खनन हो रहा था, सरकार क्या कर रही थी? और ये मुख्यमंत्री नाटक नौटंकी करते हैं। पूरे प्रदेश में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जहां की आदिवासियों की भूमि पर लोगों ने कब्जा कर दिया। स्वयं सीधी के विधायक, भाजपा के विधायक ने लगभग 10 से 15 एकड़ जमीन आदिवासी की छीन ली, जब उसे कब्जा कर लिया। वो व्यक्ति खुलेआम इस बात को कह रहा है, प्रेस में आया, लेकिन आज तक उसकी जमीन वापस नहीं मिल पाई। तो पूरे प्रदेश में आदिवासी एक तरफ ट्रक से बांधकर उसको घसीटा जाता है, दूसरा उसके ऊपर पेशाब की जाती है। और साथ में कम से कम 5 घटना है मैं जानता हूं जहां भाजपा के लोगों ने इस कदर अन्याय किया है। पन्ना जिले के अंदर स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर बीडी शर्मा के खासम खास शिष्य अंकुर त्रिवेदी, उन्होंने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया। एक एसडीएम ने शेड्यूल ट्राइब कही था, उसने उनके खिलाफ फैसला दिया, उसका तत्काल स्थानांतरण कर दिया गया और एडिशनल कलेक्टर से उसको स्टे कर दिया गया। हम लोगों ने जाके आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद जब नहीं हुआ तो हमने कोर्ट में केस लगाया। कोर्ट में केस लगाने के बाद भी उन्होंने, मजिस्ट्रेट साहब ने उसका संज्ञान में लिया, उसका तबादला कर दिया गया। तो ऐसे मेरे पास अनेक घटनाएं हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी ने, उनके लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करके शोषण किया है। सर, एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि शिवराज ने जो पांव धोया है तो जो पाप था वो धुल गया? ये जो नाटक नौटंकी है ये कुछ लोगों को संतुष्ट कर सकती है, लेकिन आदिवासियों के मन, मस्तिष्क और उनके सम्मान पर जो दाग लगा है वो नहीं धुल सकता।